करेंगे कौन सी वैक्सीन सबसे बढ़िया है और कौन सी लगवानी चाहिए। 60 कंट्रीज ने अथोराइज कर दिया अपने यूज के लिए। इससे आपकी तुरंत जान भी जा सकती है। ऑप्शन है नेपाल में वैक्सीन के, यानी कि वर्ल्ड में काफी अच्छी वैक्सीन है। आप इस वैक्सीन का इस्तेमाल ना करें, सेफ भी है। चाइनीज वैक्सीन से एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं, लेकिन स्पुतनिक वी ज्यादा कारगर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इसके दोनों डोज अलग अलग। किसका साइड इफेक्ट सबसे कम है? नमस्कार दोस्तों, नेपाल में कोविड से स्थितियां काफी ज्यादा खराब होती जा रही और इसका सबसे अच्छा बचाव इस समय वैक्सीन ही है। दोस्तों नेपाल में भी कई तरह की वैक्सीन अवेलेबल है, यानी कि हर नेपाली के पास ऑप्शन है वैक्सीन लगवाने का और इन ऑप्शंस में अलग अलग कैटेगरी की वैक्सीन भी हैं। तो नेपाल की जनता को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है और कौन सी हमको लगवानी चाहिए। क्या हम चाइनीज़ वैक्सीन लगवाएं या फिर भारतीय वैक्सीन लगवाएं या फिर रशियन वैक्सीन पर स्विच करें या फिर वेट करें कि अमेरिका की कोई वैक्सीन जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है उसका इंतज़ार किया जाए। साथ ही लोगों के मन में ये भी सवाल उठता होगा कि कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है और किसका साइड इफेक्ट सबसे कम है। साथ ही जितने भी ऑप्शन है नेपाल में वैक्सीन के, उन सभी पे मैं काफ़ी डिटेल में बात करूंगा। तो इस चर्चा के एपिसोड को कहीं भी स्किप ना करिएगा, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए बढ़ते इस वीडियो पर विस्तार से। तो दोस्तों इसमें 4 वैक्सीन हैं जो कि नेपाल में इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव की गई हैं। उनमें से सबसे पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। दोस्तों कोविशील्ड ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर बनी है, जिसमें एस्ट्राजेनिका एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, उसके साथ इस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया है और इसका निर्माण इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया जा रहा है, जिसके जरिए इसके स्टॉक्स को नेपाल ने भी खरीदा है और ये नेपाल में अवेलेबल है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। दोस्तों कोवैक्सीन इंडिया की ही कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन है कोविड-19 की, और दोस्तों ये वैक्सीन भारत बायोटेक नाम की इंडियन फर्म बना रही है, लेकिन इसका स्टॉक अभी तक नेपाल के पास कोई भी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये आपको ज़रूर मिलने वाली है। और तीसरी वैक्सीन की बात करें वो है चाइनीज़ वैक्सीन वेरोसिल। दोस्तों इसका निर्माण चाइना की बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कर रही है, जिसका स्टॉक चाइना ने नेपाल को हेल्प के रूप में अलॉट भी कराया है। और चौथी वैक्सीन की बात करें जो कि नेपाल पहुँच चुकी है, वो है रशियन वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वी। दोस्तों ये वैक्सीन भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है और इसका निर्माण रशिया में किया जा रहा है। हालांकि इनके स्टॉक्स की बात करें तो इनके स्टॉक शायद अभी नहीं होंगे नेपाल में, लेकिन आने वाले समय में इनके स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे नेपाल में। तो अब बात करते हैं कि इसमें से कौन सी वैक्सीन कैसी है, लेकिन उससे पहले हम लोग को वैक्सीन का बेसिक भी जानना चाहिए कि ये वैक्सीन्स बनती कैसे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कितने टाइप की वैक्सीन्स होती हैं। दोस्तों वैक्सीन 3 तरह की होती हैं। एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, दूसरी होती है वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन और तीसरी होती है mRNA वैक्सीन। ये तीनों वैक्सीन अपने बनाने के तरीके के हिसाब से अलग होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की, और इस इनएक्टिवेटेड प्रोसेस के ही ऊपर इंडिया की भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन काम करती है, जो कि नेपाल में भी अवेलेबल है। दोस्तों इस वैक्सीन को बनाने का बेसिक फीचर ये होता है कि इसमें एक वायरस को उगाया जाता है लैब में, जो कि पर्टिकुलर डिजीज़ का ही वायरस है, यानी कि कोविड के केस में कोरोना वायरस को ही उगाया जाता है लैब में। इस लैब में उगाए गए वायरस को ऐसे केमिकल्स और कंपाउंड्स के साथ ट्रीट किया जाता है कि वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि वो आपकी बॉडी में जाकर कोई भी हार्म नहीं कर सकता। फिर उन्हें डेड और इनएक्टिवेटेड वायरस का ही इस्तेमाल करके वैक्सीन्स को बनाया जाता है। आमतौर पर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स को काफ़ी सेफ माना जाता है क्योंकि इनमें कोई भी हार्म पहुँचाने वाला चीज़ नहीं होता है। दूसरी तरह की वैक्सीन्स की बात करें तो वो होती हैं वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन। दोस्तों वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन वो वैक्सीन होती हैं जिसमें एक वायरस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी और तरह का वायरस होता है, फिर उस वायरस में जेनेटिक कोड डाला जाता है उस बीमारी का जिसे हमको ट्रीट करना होता है, यानी कि इस केस में डाला जाता है कोविड-19 वायरस के जेनेटिक कोड को, यानी कि SARS-CoV-2 का जेनेटिक कोड किसी भी वायरस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। फिर इस वायरस का ही यूज़ किया जाता है इंजेक्शंस और वैक्सीन्स बनाने के लिए। अब आपको बता दें कि इस प्रोसेस पर नेपाल में जो वैक्सीन यूज़ हो रही उनमें से 2 वैक्सीन हैं जो इसी प्रोसेस पर बनती हैं। एक है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड और दूसरी है रशिया की स्पुतनिक वी। इन दोनों ही वैक्सीन में बस अलग अलग वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में जो वायरस यूज़ किया जा रहा है वो है चिंपैंजी एड्रिनो वायरस, जिसका इस्तेमाल करके वैक्सीन को बनाया जा रहा है। इसी चिंपैंजी एड्रिनो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डाला जा रहा है कोविड के वायरस का।
और वहीं रशिया की जो वैक्सीन है उसमें जो वायरस यूज़ किया जा रहा है वो है ह्यूमन एड्रिनो वायरस, जिसके अंदर कोविड 19 के जेनेटिक मटेरियल को डाला जा रहा है और उसके बाद उसी से वैक्सीन बनाई जा रही। तो ये दोनों ही वैक्सीन वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो कि नेपाल में आप लगवा सकते हैं। अब जो तीसरी तरह की वैक्सीन है वो है mRNA वैक्सीन, और इस तरह की वैक्सीन अभी तक की नेपाल में अवेलेबल नहीं है। यानी कि ये वैक्सीन नेपाल में नहीं है, वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन वैक्सीन को स्टोर करने के लिए काफ़ी कोल्ड फ्रीजिंग पॉइंट के फ्रीजर्स चाहिए, जो कि -50 डिग्री से नीचे के फ्रीजिंग पॉइंट वाले फ्रीजर्स होने चाहिए, और वो नेपाल में अवेलेबल नहीं है। यानी कि इनको स्टोर करने की नेपाल में जगह नहीं। इन वैक्सीन की बात करें तो इन वैक्सीन में एक वायरस की स्पाइक प्रोटीन, जो कि उसके आउटर शेल के ऊपर निकले हुआ एक शेप का प्रोटीन होता है, उसके अंदर से mRNA को निकाला जाता है जो कि होता है मैसेंजर RNA, और उस mRNA का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस प्रोसेस पे बनी हुई वैक्सीन है फाइजर वैक्सीन, साथ ही साथ मॉडर्ना वैक्सीन। ये आमतौर पर US में अवेलेबल है पर नेपाल में अवेलेबल नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये नेपाल में भी अवेलेबल हों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सभी वैक्सीन काम एक ही करती हैं, लेकिन इनका प्रोसेस अलग है। इन वैक्सीन्स का काम होता है कि बॉडी के सेल्स तक मैसेज पहुंचाना कि किस तरह की इम्यून सेल और किस तरह की स्पाइक प्रोटीन्स बनाई जाए जो कि वायरस के खिलाफ काम कर सके। अगर ये वायरस बॉडी में आता है तो कहीं ना कहीं बॉडी प्रिपेयर रहती है उस तरह की स्पाइक प्रोटीन्स और उसके खिलाफ वायरस के लड़ने के लिए। तो ये सभी वैक्सीन कहीं ना कहीं हम सब के लिए सेफ हैं, पर हाँ इनकी एफिकेसी अलग अलग हैं क्योंकि इनके पैटर्न बनाने के भी अलग अलग हैं। तो अब आप सभी के मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए। तो इन सभी नेपाल में अवेलेबल वैक्सीन्स की डेटा की बात करते हैं और उसके आधार पर हम तय करेंगे कौन सी वैक्सीन सबसे बढ़िया है और कौन सी लगवानी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कोवैक्सीन, जो कि इंडिया द्वारा बनाई जा रही है और इंडिया के लैब और इंडिया की एक कंपनी बना रही है जिसका नाम है भारत बायोटेक। दोस्तों ये वैक्सीन एक डबल डोज वैक्सीन है जिसके दो डोज आपको लेने पड़ेंगे। दोस्तों इस वैक्सीन की एफिकेसी कंपनी द्वारा 80-81% बताई जा रही है, जो कि इसके 2-stage ट्रायल के बाद बताई गई है। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसका 3rd stage का ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है और उससे पहले ही इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया गया, तो इस पर कई सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बात किया था कि इसका जो प्रोसेस है बनने का वो काफ़ी सेफ है, यानी कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनने का प्रोसेस इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी हद तक सेफ है, और इसमें कोई भी हार्मफुल वायरस आपकी बॉडी में नहीं जाता है और जो कुछ भी जाता है वो एक डेड वायरस होता है। तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन सेफ है क्योंकि इसका प्रोसेस बनने का ज़्यादा हद तक सेफ है। कई लोगों के लगने के बाद भी अभी तक की इस वैक्सीन के कोई भी भीषण साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं और इस वैक्सीन से किसी की भी जान नहीं गई है अभी तक, और इसकी कार्य क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि 80% है। तो ये वैक्सीन कहीं ना कहीं एक अच्छी वैक्सीन है और सेफ भी है अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से, तो इसको आप लगवा सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है नेपाल में इसे लगवाने का। दूसरी प्रमुख वैक्सीन की बात करें तो वो है कोविशील्ड। दोस्तों ये कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका द्वारा बनाई गई है, जिसकी हमने पहले भी बात की है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी हो रही है, तो इसके लिए ये इंडिया से नेपाल में काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इसकी एफिकेसी की बात करें तो 71% ही ये कारगर है, यानी कि अगर आप कोविड से इन्फेक्ट होते 71% चांस है कि ये वैक्सीन काम करेगी। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो दुनिया भर में ये वैक्सीन यूज़ हो रही है और इसका इमरजेंसी यूज़ चल रहा है, लेकिन कई देशों से कई रिपोर्ट्स आई हैं इस वैक्सीन के यूज़ के बाद लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, जिसका असर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर ये ब्लड क्लॉटिंग आपके दिमाग के पोर्शन में हो जाए। इससे आपकी तुरंत जान भी जा सकती है। कई केसेस देखने को मिले हैं इस वैक्सीन में ब्लड क्लॉटिंग के, जिसको लेकर कई कंट्रीज ने इस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए थे कुछ समय के लिए। बट दोस्तों इसका जो साइड इफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग का है वो काफ़ी कम लोगों में ही नज़र आया, यानी 1 लाख में से 1 लोग, या फिर दूसरी एजेंसीज के हिसाब से 10 लाख में से सिर्फ 1 लोग को ही इसका साइड इफेक्ट होता है। और इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर भी कई चीज़ों की गणना की गई है, जिसमें पता ये चला है कि जिसकी एज 50 के बिलो है उसको इसके साइड इफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि बड़े लोग इस वैक्सीन को लगा सकते हैं जो कि 50 के अबव एज के हैं, लेकिन अगर आपकी एज 50 से कम है तो मुझे लगता है कि आप इस वैक्सीन का इस्तेमाल ना करें अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कोई और वैक्सीन का। लेकिन अगर आपको इस वैक्सीन को लगाने का चांस मिलता है तो आप इस वैक्सीन को लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय जिस तरह से कोविड का संक्रमण है उस तरह से आपके कोविड से मरने के ज़्यादा चांसेस हैं ना कि वैक्सीन लगाने से। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये वैक्सीन कोविशील्ड
लगती है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपकी एज 50 से कम है, फिर भी आप इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तीसरी वैक्सीन की बात करें तो वह है स्पुतनिक वी, जो कि रशियन वैक्सीन है। तो इस वैक्सीन की बात करें तो ये वैक्सीन 91% एफिकेसी के साथ अवेलेबल है, यानी कि 91% चांसेस है कि ये वैक्सीन वर्क करेगी अगर आपको कोविड हो जाता है तो। लेकिन इसकी टेस्टिंग और डेटा को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं रशिया में भी, और इस वैक्सीन को लेकर रशिया के लोगों में भी कई बार सवाल पैदा होते रहे हैं। लेकिन इस वैक्सीन का खुद व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लेकर जनता को विश्वास दिलाने के लिए खुद भी स्पुतनिक वी के डोजेज लिए हैं। तो कहीं ना कहीं स्पुतनिक वी एक अच्छा वैक्सीन ऑप्शन है। स्पुतनिक वी की और खासियत की बात करें तो इसे डेवलप किया है गैल्मिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी द्वारा। आपको बता दें कि ये वैक्सीन लिक्विड और ड्राई दोनों ही फॉर्म में पाई जाती है, और दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जो कि ड्राई और लिक्विड फॉर्म दोनों में पाई जाती है। जी हाँ, इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, यानी कि इसे फ्रीज ड्राई फॉर्म में रखा जाता है, और इससे इसकी खासियत कुछ और बढ़ जाती है, क्योंकि ड्राई स्टेट में इसको जो स्टोर करने का टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री तक है, जो कि नेपाल के लिए भी ईजी है और कई और कंट्री के लिए भी ईजी है। और जब इस वैक्सीन को देना होता है तो इस ड्राई पाउडर को हाइड्रेट कर दिया जाता है और वो वैक्सीन तैयार हो जाती है। अगर लिक्विड फॉर्म में इस वैक्सीन को स्टोर करना है तो ये -18.5 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर होती है, और ये जो ड्राई फॉर्म है ये काफी एडवांस होता है और ये काफी स्टेबल फॉर्मूला होता है। तो इसलिए स्पुतनिक वी की एक ये खास खासियत हो जाती है जो इसे और ज्यादा अच्छा बनाती है। इसकी एफिकेसी है 91.6%, जो कि इसे और ज्यादा बेटर बनाती है। आपको याद है कि इसके टेस्ट के लिए करीबन 19,000 लोगों के ऊपर टेस्ट किए गए हैं, लेकिन इसके डेटा को लेकर भी सवाल उठते रहे, क्योंकि अभी जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में उन सभी के थर्ड ट्रायल तक ही हुए हैं। वो सिर्फ कंपनी द्वारा ही जो डेटा दिया गया है उसी पर निर्भर करते हैं, और इन वैक्सीन का कोई ओपन सोर्स टेस्ट नहीं हुआ है, यानी कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसका टेस्ट करे। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं देखे गए, और इससे किसी के जान जाने की भी कोई खबर नहीं है, और दुनिया में गिनी चुनी वैक्सीन में से ही है स्पुतनिक वी जिसकी एफिकेसी 90 के ऊपर है, यानी कि वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। इसके जो नॉर्मल साइड इफेक्ट आते हैं वो वैक्सीन लेने के बाद जहां वैक्सीन लगती है उसके आसपास के इलाके में पेन हो सकता है हल्का, साथ ही साथ सरदर्द हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, या फिर थोड़ा सा चक्कर आने जैसा हो सकता है। और ये छोटे से साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपको हर वैक्सीन के साथ बेसिकली देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि रशिया की स्पुतनिक वी को 60 कंट्रीज ने अथोराइज कर दिया अपने यूज़ के लिए। 60 कंट्रीज को छोटी कंट्रीज नहीं होती है, यानी कि 60 कंट्रीज ने अप्रूव किया है स्पुतनिक वी को। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्पुतनिक वी 2 डोज की वैक्सीन है, जिसका सेकेंड डोज करीबन 21 से 24 दिन के बीच में लगता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, जो और वैक्सीन से इसको भिन्न बनाती हैं, अलग बनाती हैं, कि स्पुतनिक वी के दोनों ही डोज अलग फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। जी हाँ, ज्यादातर जो भी वैक्सीन बनी है उनके दोनों डोज एक ही फॉर्मूले पे बेस हैं, लेकिन स्पुतनिक वी ज्यादा कारगर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इसके दोनों डोज अलग अलग हैं। स्पुतनिक वी का दावा है कि दोनों अलग तरह के डोज देने से इस वैक्सीन की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती, इसीलिए 91 से 92% तक एफिकेसी के साथ आती है। साथ ही साथ स्पुतनिक वी क्लेम करती है कि अगर दोनों वैक्सीन के डोज ले लिए जाते हैं तो टोटल प्रोटेक्शन हो जाती है हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, और डेथ से भी, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को पूरी तरह से रोकने में कारगर है, ऐसा क्लेम है कंपनी का। तो कहीं ना कहीं इस वैक्सीन को दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। रशिया में कई लोग सिर्फ वैक्सीन लगवाने ही जा रहे हैं, क्योंकि रशिया ने अपना एक वैक्सीन पैकेज बुक किया है जिसे दुनिया भर से लोग आके वहां 21 दिन तक रह रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो मेरी नज़र में स्पुतनिक वी काफ़ी अच्छी वैक्सीन है, और अगर ये आपको मिलती है तो ज़रूर लगवाएं। लेकिन कोई और वैक्सीन लगवाने से हिचकिचाए नहीं, क्योंकि हर वैक्सीन कहीं ना कहीं आपको डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा राहत देगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने में मदद ज़रूर करेगी। लेकिन हालिया रिपोर्ट कहती है कि चाइनीज़ वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही हैं, और इसके लिए चाइना ने अपना एक और बूस्टर डोज भी शुरू किया है, जो कि 6 महीने बाद लगवाने को कहा है। तो इसीलिए चाइनीज वैक्सीन पे भी सवाल उठ रहे हैं। अब चौथे और आखिरी ऑप्शन की बात करें जो कि नेपाल में अवेलेबल है, वो है चाइना की वैक्सीन, जिसका नाम है BBIBP CoV-V। दोस्तों, ये वैक्सीन चाइनीज वैक्सीन है और चाइना की कंपनी द्वारा ही मैन्युफैक्चर की जा रही है। इस वैक्सीन के काफी ज्यादा डोज नेपाल को हेल्प के फॉर्म में चाइना की तरफ से मिले थे, जिसका वैक्सीनेशन शुरू भी करने की बात कही गई है। 7 अप्रैल से इसको अप्रूवल मिल गया है नेपाल में, तो इस वैक्सीन का भी ऑप्शन है आपके पास नेपाल में। लेकिन इस वैक्सीन के डेटा को भी लेकर काफ़ी सवाल उठते रहे, क्योंकि चाइना की प्राइवेसी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा कड़ी है।
जिसको लेकर इसके डेटा को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं। साथ ही साथ चाइना की बात करें तो चाइना क्लेम करती है कि इसकी एफिकेसी है करीबन 86%। बस इस वैक्सीन में एक ही चीज़ है जो कि डिस्टर्बिंग है कि इसके डेटा और इसकी प्राइवेसी को लेकर, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। साथ इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं है। तो अगर आप चाइनीज़ वैक्सीन पर विश्वास करते हैं तो आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि वैक्सीन ना लेने से तो अच्छा है कि कोई भी वैक्सीन ले ली जाए। तो नेपाल में अवेलेबल वैक्सीन में सबसे ज़्यादा एफिकेसी की वैक्सीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफिकेसी है रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी, जिसकी एफिकेसी है 91%, यानी 91% आप सिक्योर हैं। दूसरी एफिकेसी सबसे ज़्यादा है चाइनीज़ वैक्सीन की, जिसकी एफिकेसी करीबन 86% जैसा चाइना क्लेम करता है। तीसरे नंबर पर एफिकेसी है सबसे ज़्यादा कोवैक्सीन की, जो कि है 80-81% एफिकेसी के साथ, जिसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और चौथी वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित कोविशील्ड की, जिसकी एफिकेसी 70-71% बताई जा रही है। तो तय आपको करना है कि आपको कौन सी वैक्सीन चूज़ करनी है। तो मेरी राय में आपको इनमें से कोई भी वैक्सीन को इस्तेमाल कर लेना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर आपके पास इन चारों में ऑप्शन है तो मुझे तो लगता है स्पुतनिक वी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एफिकेसी भी है। तो आपको क्या लगता है इस डेटा के हिसाब से कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेटर वैक्सीन है और आप भी लगवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखकर बताएं कि कौन सी वैक्सीन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी वैक्सीन आप यूज़ करना चाहते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन सब तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकन भी जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। NI News।